ताज नगरी आगरा में एक शिक्षक की बर्बरता का मामला सामने आया है। शिक्षक की बर्बरता से छात्र के आंख में चोट लगने से बाल बाल बची। छात्र की आंख के पास चोट का निशान साफ दिखाई दे रहा है। छात्र अमन का आरोप है कि शिक्षक का पीरियड न होने पर वह दोस्तों के साथ क्लास से बाहर चला गया था। इसके वापस आने पर शिक्षक प्रेम ने छात्र को डंडे से पीटना शुरू कर दिया। इससे पहले भी स्कूल में शिक्षक छात्र की जूते से पिटाई कर चुके हैं। इसके बाद छात्र ने पारिवारिक जनों से इसकी शिकायत की तो पारिवारिक जनों ने शिक्षक को समझाया, लेकिन शिक्षक उल्टा छात्र पर भड़कने लगा। इसके बाद छात्र और पारिवारिक जनों ने थाने में जाकर इसकी शिकायत दर्ज कराई है। क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हैं आप? आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है? कौन से गांव में? क्या मामला हो गया बच्चे के साथ? अभी ये तो पढ़ने जाता है। हाँ, अब स्कूल में घुसा होगा या क्लास में होगा। हाँ, इसमें डंडा फंडा मार दिया, उसने घर आके बताया। फिर हम गए थे, हमसे ये बोले थे कि वो इसको मुर्गा बनाया, वो किया, करता है, वो करता है। तो एक लोगेंद्र सर और हैं, सारे जितने सारे टीचर हैं वो मस्ती कर रहे हैं, वो लड़कियों से भी गलत बोलते हैं। ठीक है ना, लड़कियों से भी गलत बोलते हैं, सीधा बोलते हैं, ये बात है। ठीक, क्या नाम है बेटा? अमन। अमन जी, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कहाँ, कौन से गाँव में? कैसे लगी आपको चोट, कैसे लगी है? वो मैं जैसे प्रेम सर का वो पीरियड निकल गया था, वो बाहर चले गए थे। हाँ, इसी में तो मैं बाहर चला गया था, ग्राउंड में लेट गया था ना। मेरे साथ मेरा दोस्त भी था और दो तीन दोस्त भाग गए थे। अच्छा, बाहर निकल गए थे वो क्लास से। हाँ, इसी में फिर लोकेंद्र सर आए थे। हाँ, मैं तो उन्होंने मैं बुलाया तो मैं जैसे भीतर गया तभी वो प्रेम सर आ गए थे, उन्होंने मेरे तीन चार डंडे दिए थे। किसने डंडे मारे तुम्हारे? प्रेम सर ने। जूते किसने मारे? जूते किसने मारे थे? जूते लोकेंद्र सर ने मारे थे, वो कम से कम एक डेढ़ महीना से हो गए। लोकेंद्र सर कौन है? वो जाट है। अच्छा, और कोई मैडम भी थी? नहीं। अच्छा, तो इन दोनों ने जूते मारे हैं और उनने पिटाई की है। ये आंख में चोट कैसे लगी है तुम्हारे? वो उनका डंडा पड़ गया था। डंडा पड़ा है तो डंडे से पिटाई करते हैं? हाँ। पहले भी करते हैं किसी बच्चों की? हाँ। ठीक, डीजी महाराजा न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।